आमने सामने होने का कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि ब्रजेश सिंह अक्सर वकालतन उपस्थित रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ब्रजेश सिंह नहीं रहते हैं। और उस दिन भी संभावना यही है कि जिस दिन मुख्तार अंसारी की गवाही होगी उस दिन ब्रजेश सिंह वकालतन ही उपस्थित रहेंगे, आमने सामने होने का कोई आवश्यक नहीं है। क्या आदेश क्या लग रहा है मुख्तार अंसारी फिजिकली पेश होंगे? अब न्यायालय का आदेश तो उनको फिजिकली पेश करने का ही है, होना चाहिए। किस मामले में हो रहा है? वो 2001 में उसी चट्टी पे मुख्तार अंसारी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उसमें ब्रजेश सिंह वगैरह नामजद अभियुक्त हैं, उन्हीं के मामले में मुख्तार अंसारी वादी हैं और वो गवाही के लिए। के संबंध में ये सही है कि मुख्तार अंसारी को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश गाजीपुर MP MLA कोर्ट द्वारा 3 जनवरी को मुख्तार अंसारी को उसरी चट्टी 15/7/2001 की घटना के संबंध में व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है और मुख्तार अंसारी के आने की पूरी संभावना है और ब्रजेश सिंह उसमें अभियुक्त हैं, त्रिभुवन सिंह भी अभियुक्त हैं, अनिल सिंह भी अभियुक्त हैं जो कि अब नहीं है दुनिया में, तो माननीय न्यायालय द्वारा उन लोगों को भी तलब किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ब्रजेश सिंह की जो जमानत दी गई है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी अभियुक्त जो है अभियुक्त को इस शर्त के साथ जमानत दिया जाता है कि जब भी गवाही होगी कोर्ट में तो उनकी कोई भी गैरहाजिरी माफी की एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाए, इसलिए ये पूरी संभावना है कि दोनों लोगों को उपस्थित होना अनिवार्य है न्यायालय में, जैसा कि माननीय न्यायालय का आदेश है। और ये 15 जुलाई 2001 की घटना है, उसरी चट्टी पर मोहम्मदाबाद थाने जिला गाजीपुर में मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ मऊ जा रहे थे, उसरी चट्टी पर ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, अनिल सिंह ये लोग पहले से वहाँ मौजूद थे, AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियाँ मुख्तार अंसारी की हत्या करने की नीयत से ये लोग चलाने लगे, जिसमें कि मुख्तार अंसारी के गनर हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार जो है मौके पर ही मौत हो गई और उसमें बाबू उर्फ सुब्राती वो घायल हो गए जो कि बाद में मृत्यु हो गई और उसमें 9 अन्य लोग गोली लगने से काफ़ी घायल हो गए थे। और इस घटना के संबंध में जो है दोनों लोगों को आने की पूरी संभावना है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी के लड़के उमर अंसारी द्वारा 1 जनवरी 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से गाजीपुर ले आने के संबंध में सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई है माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से कि उनकी हत्या किए जाने की पूरी संभावना है, इसलिए पूरी सुरक्षा प्रदान किया जाए। और मेरे द्वारा भी माननीय विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट गाजीपुर को आज 2 जनवरी 2023 को एक प्रार्थना पत्र सुरक्षा के संबंध में माननीय न्यायाधीश महोदय को दिया गया है, जिसमें उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई है और उसकी कापी ADVC महोदय को भी हमने प्रदान किया भी करा दिया है। और माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट गाजीपुर से मैंने विनम्र अनुरोध किया है कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है और उनको कई बीमारियां हैं जिससे उनको मेडिकल सुविधा भी प्रदान की जाए और बांदा जेल से गाजीपुर आने और ले जाने के लिए विशेष सुरक्षा और उनकी मेडिकल सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाए। क्या लगता है सबसे अच्छा मिलेगी? दोनों लोगों को आने की पूरी संभावना है और गवाही होना है इसमें, क्योंकि MP MLA का मामला है, इसलिए ये डे टू डे चलाने का माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि जो भी MP MLA का मुकदमा है उसको देखी जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।